कुक विद सुरिंदर में आपका स्वागत है। आज हम पिंडी छोले की रेसिपी बना रहे हैं और इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने करीब 200 ग्राम व्हाइट चने लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट भिगो दिया है और अभी इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। यहाँ मैं इसमें तेज पत्ता, एक सिनेमन स्टिक और एक मोटी इलायची डाल रही हूँ। एक टीस्पून नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। जैसे ही सीटी आएगी गैस को कम करके हम इसे 5 मिनट का टाइम दे देंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 प्याज छील लिए हैं, इन्हें मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें भी हम प्यूरे कर लेंगे। और ड्राई मसालों के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है। चने हमारे बॉईल हो गए हैं, मैंने इन्हें 5 से 6 मिनट का टाइम दिया था और ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुकर में 2 करछी भरकर तेल की डाल दी है और तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें मसाला डाल देंगे। अब मैं इसमें ये 4 लौंग डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून चाय पत्ती के डाल देंगे क्योंकि हमने चनों में कोई भी आंवला या कोई कलर के लिए कोई भी चीज़ नहीं डाली है, इसलिए चाय पत्ती का पानी उबालकर चनों में डाल देंगे। जिससे इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं लेकिन अभी हमें इसे और ब्राउन करना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। प्याज हमारे काफी अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हमने चनों में भी डाला है तो नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे।
मसाला हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें चने डाल देंगे। चाय का जो पानी हमने बनाया था वो भी इसमें डाल देते हैं। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट का टाइम और दे देंगे। छोले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसे मसाला डालने के बाद 3 मिनट का टाइम और दिया है। छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया है। अब हम इसके लिए थोड़ा सा तड़का तैयार कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। पिंडी छोले बनकर तैयार हैं। इसे बनाने के लिए मैंने टोटल 10 मिनट का टाइम ही दिया है। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इन्हें पहले बॉईल किया है और 3 मिनट मैंने मसाला डालने के बाद इन्हें कुक किया है और अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। पिंडी छोले की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है? रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।